रोज ये हरकत हो दी कोई ना कोई जवान आए दिन शहीद हो आता साडा आज तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै इही आखना चाहते हैं कि जिहड़ी पाकिस्तान ने प्रक्सी वार शुरू की है और जिहड़ा अज 34-35 साल हुई है इन्हें जियां सर्जिकल स्ट्राइक पिछे पिछले साल की ही इंडिया गौरमेंट ने अस तुहाडे चैनल कन्नै इही अपील करगे कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। हुण सर्जिकल स्ट्राइक कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, जो कैंपेन पर की हूँ पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की जरूरत है। नवी जनरेशन पैदा होती है आखिरी यार अस आतंकवाद के रस्ते जाके तो साढ़े सानू घर भी मिलना, नौकरियां मिलनी है, सानू सानू सारी फैसिलिटी मिलनी है, उनके भी रोक लगती और उनके दिमाग में भी गल आती कि अगर अस देश के खिलाफ जाके तो सानू सीधे गोली बजनी है। उसका सलूक होना चाहिए जो उग्रवादियों का होता मिलिटेंटे का होता उनके कोला भी बुरा होना चाहिए, उनकी पूरी प्रॉपर्टियां उनके जिन्हें भी खानदान के लोग सर्विस करते हैं उन्हें सर्विस बाहर कड़ी है उनके पर जो भी सा संविधान या कानून आखता है उनके सख्त कोला सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई वो होनी चाहिए जी उस मिलिटेंट कन्नै होती है उस उग्रवादी कन्नै होती है, क्योंकि इे लोग ने जोड़ा सब तो बड़ा नुकसान करते हैं, अंदर भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। कल की जी घटना हुई है जो आतंकवादी सुरक्षा बलों के बीच एक एनकाउंटर होया और तीन अफसर जोड़े ने शहीद हो दो आर्मी के अफसर है और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP। इस पर आज काफ़ी जोड़ा है लोगों रोष है और विरोध प्रदर्शन भी करा करते, श्रद्धांजलि दिया करते हैं उन शहीद की। युवराज पूसावा ने भी आज श्रद्धांजलि दी है इन्हें और एक प्रोटेस्ट रैली भी जी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी है। सुरिंदर सिंह गिल्ली और ने फार्मर प्रेजिडेंट रहे ने युवराज पूसभा के इन्हें पूछा है कि तुंदे मन च आवा करदा इन्नी जी बड़ी घटना जी कल हुई है और अज जो तुम विरोध प्रदर्शन भी करा करते हो श्रद्धांजलि भी दे। बड़े कारना पूर्वक हरकत है पाकिस्तान की, साढ़े चार नौजवान शहीद हो जेके पुलिस के एक जवान है, तीन आर्मी के जवान है, पूरा देश बड़े गमगीन मोल च है, पूरा जम्मू कश्मीर रोज़ ये हरकत हो दी कोई ना कोई जवान आए दिन शहीद हो आता साडा आज तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै इही आखना चाहते हैं कि जिहड़ी पाकिस्तान ने प्रक्सी वार शुरू की है और जिहड़ा अज 34-35 साल हुई है इन्हें जियां सर्जिकल स्ट्राइक पिछे पिछले साल की ही इंडिया गौरमेंट ने अस तुहाडे चैनल कन्नै इही अपील करगे कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। हुण सर्जिकल स्ट्राइक कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, जो कैंपेन पर की हूँ पाकिस्तान के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की जरूरत है कि जी रोज़ रोज़ का जरा एक स्यापा बनी जाता साढ़े तीन और हर कोई ना कोई दिन साडा नौजवान शहीद हो जाता, किसी का पति मरी जाता, किसी का बच्चा पूरा हो जाता, वो परिवारें की के फीलिंग होती होगा समझी सकने कि अस उन्हें परिवारें तो हाँ साढ़े परिवारें के लोग भी ऐसे लोगों वास्ते आखना चाहते हो कि जेडे तंत्र के बिच बैठिए OGW का काम करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर का काम करते हैं, इन्हेंगी पूरी तरह गाइड करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, इन्हेंगी शैल्टर देंगे और इन्नी बड़ी घटनाएं की अंजाम देने वास्ते ये पाकिस्तान का साथ देंगे ने। बाद पता चलता है कि वो इे जी गवर्नमेंट के बिच कई अफसर लोग ने इतना आराम कर बैठिए आम लोगों जिया देने लेकिन इन्नी बड़ी घटना की अंजाम देने वास्ते वो पूरा साथ दे रहे पाकिस्तान का। ऐसे लोगों वास्ते के बोल ऐसे लोगों वास्ते उसका सलूक होना चाहिए जो उग्रवादियों का होता मिलिटेंटे का होता उनके कोला भी बुरा होना चाहिए, उनकी पूरी प्रॉपर्टियां उनके जिन्हें भी खानदान के लोग सर्विस करते हैं उन्हें सर्विस चू बाहर कड़ी है, उनके पर जो भी सा संविधान या कानून आखता है उनके सख्त कोला सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई वो होनी चाहिए जी उस मिलिटेंट कन्नै होती है उस उग्रवादी कन्नै होती है, क्योंकि इे लोग ने जोड़ा सब तो बड़ा नुकसान करते हैं, अंदर भी नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अज हालात दिखो तुम अज किन्ने लोग कड़ी उड़े ने इस गौरमेंट ने बाहर, अस ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टियां भी कुर्बानी होनी चाहिए और टेक ओवर कर लेनी चाहिए सरकार ने, क्योंकि जल्द धोड़ी इन्हें लोगों की खत्म किया गया जो अंडरग्राउंड वर्कर अज भी अगर जी कार्रवाई हो रही है जरूर उन्हें लोगों का थोड़ा चाहिए, ये सरकार लगी उन्हें लोगों की निशानदेही कर, मगर इन्ने मैं अपने दबाव की काबू नहीं रख सकता, मगर अभी भी एड्डी बड़ी कार्रवाई नहीं होनी जी करनी चाहिए है कि एक कार्रवाई एड्डी होनी चाहिए कि पता लगे कि जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की सरकार जो सरकार नहीं है जी डिफेंड करनगियां इनके घर बार सब खत्म करी होने चाहिए और ओल उन्हें लोगों की इंसाफ मिलक जो लोग साढ़े शहीद हुआ देन ओल उन्हें सच्ची समझ आ जी पूरा हिंदुस्तान और पूरी हिंदुस्तान की सरकार अलग देख जो उनके अंडरग्राउंड वर्करों पर भी उसे कार्रवाई होग जी उन्होंने उग्रवादियों पर होती है। विशाल सिंह और साढ़े कन्ने ने स्पोक्सपर्सन ने और मीडिया कोआर्डीनेटर ने युवा राजपूत सभा दे कल आली घटना कवर पूरा देश जोड़ा है इसलिए कड़ा बड़ा गमगीन है तो क्या आखना चाहिए। देखो सब तो पहले उन्हें वीरें की नमन जिन्हें इस देश ताई अपनी कीमती जान गवाई है, तो बड़ा दुख होंगे जल्द साढ़े वीर ऐसे ऐसे वीर एडे एडे योधे जेडे एडे एडे बड़े अहदे पर बैठे देने इंडियन आर्मी जेके पी पुलिस
ते उंदी शहादत होईयां ते कुदे ना कुदे सानू लोकें गी बड़ी आहत होई है क्योंकि पाकिस्तान जिहड़ा है पाकिस्तान की कायराना हरकत है जिहड़े उंदे तुस आखी सकदे कि सामने आइए फ्रंट फुट पर आइए लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है तो बैक फुट पर आइए खेडा दा है कि उग्रवाद जम्मू कश्मीर च आनीए जम्मू कश्मीर च उग्रवाद फैला दा है तो बड़े एक निंदनीय गल है तो पाकिस्तान जिहड़ा है उसी जवाब देने की जरूरत है जिन्ना साडे वड्डे भरा ने आख्या है कि पाकिस्तान की जवाब देने की जरूरत है और इंडियन जी साड़ी इंडियन गौरमेंट है जी उनकी जरूरत है एक ऐसी रणनीति बनाने की कि पाकिस्तान जिन्ना पिछे ही इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो बड़ा अच्छा एक तो समझी सकते हो कि साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग के पूरे भारत के लोग उसका वेलकम किया हूँ पाकिस्तान की एक सर्जिकल ऐसी जरूरत है कि पाकिस्तान का जिहड़ा नक्शा जिहड़ा है नक्शा जिहड़ा है वह थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है और जिहड़ा साड़ा जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके कोल भी है ना जिहड़ा जिसी जिसी वो अपना समझे दा वह भी वापस लेने की जरूरत है तो जम्मू कश्मीर में एक पीस जिहड़ा वापस आने की जरूरत है ये तई सानू काम करने की जरूरत है और ये तई मैं आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की आखगा मतलब तुम आखना कि एक निर्णायक जड़ा है इंदे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है पाकिस्तान के खिलाफ या जिस तरीके ये घटनाएं जड़ियाँ होवा दी ने ताकि इन्हें घटनाएं पर रोक लगाई जा लेकिन ऐसी चीज़ें की क्या दिखते हो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे दे जड़े पुराने लंबी सरकार जी ने जुने की आश्रय दिता ये जी आतंकवादियों की लेकिन अज इन्नी ज़्यादा डीप रूटेड हो चुके कि इतों के पता चलता कि कई जड़े अफसर इतों के लोग जड़े ने इंदा साथ देंदे ने देखो फैसला जड़ा है ना फैसला सरकार जल्द धोड़ी कट मतलब कि कठोर फैसला नहीं लैग उल्ले धोड़ी साढ़े जेडे ग्राउंड लेवल उपर जी जी साड़ी चीज़ होनी चाहिए ना नहीं लभनी सानू तुसें ठीक आख्या है कि पिछली सरकारें अस आखी सकने जम्मू कश्मीर की सरकार के केंद्र की सरकार के 2014 तो पहले 2014 तो पहले फैसले नरम दिली कने लैंदे ही और कुदे ना कुदे असें बड़े बारी सुनते कि जेड़ा मिलिटेंट सिलेंडर करता है या जेड़ा अपनी एंटी नैशनलिस्ट गल्लां छोड़िए देश हित की गल उपर आंदा है तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिलदियां सरकारी आवास मिलते सरकारी गौरमेंट की तहत स्कीमां मिलदी हैं और मुझे लगता है कि सरकार ने यह चीज़ें जेड़ा गलत फैसला लिया हा अगर उन्हें चुकी उस वे जेलें सुट्टे दा हुंदा जेलें भी नहीं सुट्टे दा हुंदा उन्हें उस वे फांसी के उपर रख दिता हुंदा है ना तो अज कुदे ना कुदे उग्रवाद जेड़ा वो इन्ना नहीं हुंदा और साड़ी जी यूथ है जिन्हें प्रेरणा मिलती है कि जिन्ना साड़ा नवा नवी जनरेशन पैदा होंगी आखिरी यार अस आतंकवाद के रस्ते जाके तो साढ़े सानू घर भी मिलना नौकरियां मिलनी है सानू सारी फैसिलिटी मिलनी उनके पर भी रोक लगती और उनके दिमाग में भी गल आती कि अगर अस देश 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 के खिलाफ जाके तो सानू सीधे गोली बजनी है जी बिल्कुल विचार सुरिंदर सिंह गिल्ली हुंदा ते विशाल सिंह हुंदा कि जिस तरीके कन्नै पिछली सरकारें बड़ी नरमी बरती और उस वजह कन्ने आतंकवाद जेड़ा है इन्ना उपर तक आई है और अज जेड़े इस तरह की घटना हुई ने खास कर इस साल की अगर गल की जाए तो सारे कोला ज्यादा कैजुअलिटियां अज तक हो चुकी हैं ते कल साढ़े आर्मी के सुरक्षा बलें आर्मी के जम्मू कश्मीर पुलिस के जेड़े अफसर ने वो कल उनकी शहादत हुई और इसीलिए एक निर्णायक जेड़ा है सरकार की एक स्टैप लेना चाहिए ताकि जी आतंकवाद है इसी बिल्कुल जड़ा जेड़ा है कुचलिया जाए।